बाबा जी ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बाबा जी का आशीर्वाद आज लग गया उनको और थोड़ा सा का अर्थ समझ गए और बहुत सुंदर और कवित्वमय आज उनकी वाणी निकली। सबके नामों के साथ जो उन्होंने कविता किया वो तो पहली बार हम लोगों ने सुना, वो अद्भुत था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी किस कविता के लिए। अब हम लोग मुंगेर विश्वविद्यालय और मुंगेर आश्रम के जो परमाध्यक्ष हैं, हमारे गुरु तुल्य, और जिनके विषय में आप लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं, ऐसे परम तपस्वी, परमहंस, परिव्राजकाचार्य, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी निरंजनानंद जी सरस्वती जी महाराज हम लोगों को अपने आशीर्वचन देंगे। पूज्य स्वामी जी, मन को खाली करके आया हूँ, दिल को खोल करके आया हूँ, इसलिए ना शास्त्र ना स्तोत्र, और मेरे जीवन का ये एक नियम रहा है कि जब भी हम किसी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तब अपने मन को और भावना को प्रभु से जोड़ते हैं, और इसलिए मैं ना प्रवचन देता हूँ ना सत्संग देता हूँ, केवल ईश्वर स्मरण और आराधना में मगन रहता हूँ। जब स्वामी जी से खबर मिली कि यहाँ पर वृंदावन धाम की यात्रा होने जा रही है तो तुरंत दिल कहता है जाओ, और देखिए कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसका उल्लेख अभी हम करना चाहेंगे। एक बार निद्रा की अवस्था में स्वप्न आया, पंढरपुर जाओ, विचार नहीं था लेकिन स्वप्न में आदेश हुआ, और उस आदेश में इतनी तीव्रता थी कि अगले दिन ही हम अपना टिकट करा करके एक सप्ताह के लिए पंढरपुर चले गए। और जब हमारे श्री स्वामी गिरीशरण जी ने कहा इस यात्रा के बारे में, दो बार सोचना नहीं पड़ा, केवल एक अनुरोध था कि क्या एक दिन इसको आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि हम इस यात्रा में संतों के साथ शामिल हो सकें। और वृंदावन धाम में ये हमारी दूसरी यात्रा है। पहली बार जब आए थे अकेले ही आते हैं, तीर्थों में हम किसी के साथ नहीं जाते क्योंकि भक्त लोग फिर सिर खा जाते हैं, इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि स्वामी गिरीशरण जी ने पहले से सब नियम कानून बता दिया। उसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगा, बात करने का, अनर्गल बात करने का प्रयास नहीं करना कि मंदिर कैसा लगा, तो ये कैसा लगा, तो वहां जाएंगे तो यहां आएंगे, नहीं, सहज रूप से अपने भाव को और मन को संभालना है, आराध्य में टिका करके रखना है। और जब पहली बार 1988 में हम यहां आए थे तो एक धर्मशाला में अपना झोला रख दिए, अकेले ही थे, और चले गए निधिवन। 3 दिन वहां पर बिताए अकेले, चले गए रमन रेती, 2 दिन वहां पर बिताए एकांत में, चले गए गोकुल, और 2 दिन वहां पर बिताए, आते थे और वापस जाते थे।
और दिन भर वहां पर समय व्यतीत होता था यमुना जी के किनारे। और जब हम आए थे तब उस समय सड़कें नहीं थी, जो सामान्य रूप से गांव की सड़कें होती हैं धूल वाली वो ही थी। और वहां पर यमुना के किनारे बैठ करके गोधूली बेला में प्रतीक्षा करते थे गायों के आने की, और देखा करते थे कि कहीं श्री कृष्ण इन गायों के मध्य में तो नहीं है। और वो हमारे जीवन का एक अनुपम और अद्भुत समय था। हमारे स्वामी मुक्तानंद जी तो कहते हैं कि वो शिव भक्त और कृष्ण जी के सखा। खैर, वो जानते हैं उनका क्या संबंध है। हमने आज तक ना शैव में, ना वैष्णव में, ना शाक्त में किसी प्रकार का अंतर देखा है, क्योंकि हमारे लिए वे सभी हमारे आराध्य हैं, सभी हमारे ईश्वर हैं। और भारत की एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर ईश्वर सामान्य व्यक्ति की तरह चोरी करते हैं, नृत्य करते हैं, बंसी बजाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। संसार में कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जहाँ पर ईश्वर इस प्रकार का लीला करे। तो परमेश्वर के तो विभिन्न रूप होते ही हैं। जो परम हैं, अपने आप को एको हम बहुत श्यामह के रूप में प्रकट कर भी देता है। और इसलिए हम यह कह रहे हैं कि मन को खाली करके और दिल को खोल करके सभी पूर्व की भावनाओं से अपने आप को अलग करके ईश्वरमय होना है। राममय हो सकते हैं, कृष्णमय हो सकते हैं, जगदीशमय हो सकते हैं, ईश्वरमय हो सकते हैं, लेकिन इस उच्च अनुभूति को प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह के लिए संसारिकता से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। और मुझे विश्वास है कि श्री कृष्ण की कृपा, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, इसी भावना के साथ हम लोग अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। और यह तो हमारा सौभाग्य ही है कि गुरुतुल्य श्री कल्याण बाबा के सानिध्य में, उनके आशीर्वादों के साथ, उनके साथ स्वामी गिरीशानंद जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम संत के साथ, स्वामी मुक्तानंद जी जैसे भरत राम जी के साथ रहते थे, उसी प्रकार आप हमारे स्वामी गिरीशानंद जी के साथ हैं। वो डंडा हैं तो ये झंडा हैं, वो डंडा हैं तो ये झंडा हैं। और हमारे परम स्नेही स्वामी संविदानंद जी के साथ तथा अन्य संतों के साथ इस मंगल कार्य यात्रा में शामिल होने का एक अवसर प्रभु ने हमें प्रदान किया है। और उनके आशीर्वाद से ही हम लोग इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। उनका कीर्तन होगा, उनका गान होगा, उनका नाम श्रवण होगा, और उनके स्वरूप में हम लोग स्वयं को मस्त रखें। और देखो, एक बात पुनः कहना चाहता हूं कि जब हम पहली बार वृंदावन आए थे
एक घंटे तक शहर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। भीड़ भड़ाका, धूल धक्का, हम सोचे कहाँ आ गए हैं, ये तो कलियुग वृंदावन है, असली वृंदावन की खोज करनी है। तो हमने उसका एक उपाय निकाला। क्या उपाय? बैठ के चुपचाप कहे कि चलो मन, अब जाना है कृष्ण काल में, कलयुगी काल में नहीं बल्कि कृष्ण जी के काल में, द्वापर में। और मन में देखे कि द्वापर में यह क्षेत्र कैसा रहा होगा, कृष्ण जी की लीलाएं कैसी रही हैं, कैसे वे दौड़ा करते थे, कैसे वे लोगों के साथ खेला करते थे। और आप विश्वास कीजिए, इस ध्यान के पश्चात दृष्टि बदल गई। ना गंदगी दिखा, ना भीड़ दिखी, ना धक्का दिखा, बल्कि जहां जहां पर भी गए उनके बाल स्वरूप को ही अपने सामने देखते रहे, उनकी बाल क्रीड़ाओं को, लीलाओं को देखते रहे। और आज भी वह काल मेरे लिए एक अनुपम समय था, जब जो दिखलाई देता है उसके पीछे का जो दृश्य है वो हम देख सके। और ये केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। संकेत दे दिया हूं, आप भी कल प्रातः यात्रा के पूर्व 5 मिनट ध्यान लगा करके अपने आप को कलयुग के वृंदावन से हटा करके द्वापर के वृंदावन में आ जाइए। द्वापर के वृंदावन में रिक्शा ठेला के बदले, शोर शराबा के बदले आप कृष्ण को, ग्वाल बालों को, धेनु को, माताओं को, गोपियां को, गोप वृंद को अपने चारों तरफ देखिए। जब दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। और जब सृष्टि बदलती है तो फिर हम भी उसके एक अंग हो जाते हैं, उसका अनुभव हमें होता है। दृष्टि बदलती है तब हमें अनुभव होता है। इसलिए आइए, इस यात्रा को हम लोग मात्र एक यात्रा नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव की यात्रा बनाए। और यही ईश्वर से प्रार्थना है, श्वेतांबर या कृष्णांबर, ईश्वर से प्रार्थना है कि वे हम लोगों का मार्ग प्रदर्शित करें। हरिओम तत्सत्। परम श्रद्धे, परम पूज्य, परम तपस्वी पूज्य बाबा जी महाराज हम सभी जी को आशीर्वाद देंगे। पूज्य बाबा जी। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली में आज इस राधा कृष्ण मंदिर के दिव्य सभागार में कल से आरंभ होने वाली जो सप्त दिवसीय ब्रज परिक्रमा का कार्य है उसके पूर्व अभी आप महापुरुषों से चर्चाएं श्रवण कर रहे थे। यहाँ आने से पहले जब हम लोग इस सभागार में बैठे, पुनीत भाटिया जी के हमने उद्गार सुने, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह दिव्य मंदिर, यह दिव्य प्राणंग उन्होंने अपनी माताश्री पिताश्री की बात है। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं
मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव से प्रारंभ होती है। जो अपने जीवन के हर सफलता को अपने माता पिता की देन मानता है, वह जीवन में कभी भी अशांत नहीं होता है, कभी भी दुख उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। इससे अभी आपने महापुरुषों के मुखारविंद से, पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी महाराज से, परिक्रमा का उद्देश्य और किस तरीके से हम लोग परिक्रमा करें, क्या क्या हमारा संकल्प होना चाहिए, किस तरीके से हम यात्रा करें का हेतु बने। पूज्य महाराज श्री ने बड़ी सुंदर चर्चा कही, अगर हम इस चकाचौंध में खो जाएंगे तो कृष्ण की कृपा हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस चकाचौंध को भी हम, इसमें भी कृष्ण को देखें, इस कलिकाल के वृंदावन को नहीं, हम उस द्वापर युग के वृंदावन में प्रवेश करें जहाँ लीला पुरुषोत्तम ने अनेक तरह की लीलाएं की और उनकी लीला की जो सहायिकाएं थी, ब्रज की गोपांगनाएं, उन्होंने भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, उनके प्रति उनकी श्रद्धा और भगवान के आह्लादनी शक्ति जो राधिका हैं, उनका भक्ति के माध्यम से वात्सल्य भाव और योगियों के जो ध्यान में योगिन परम तत्व में भाषा देखा, उनके लिए सब उनकी जो है इस लीला भूमि में, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग कल से वह यात्रा आरंभ कर रहे हैं। एक बड़ी सुंदर चर्चा हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, जो भक्त प्रह्लाद के जीवन से संबंधित है। प्रह्लाद के विषय में आप लोग जानते ही हैं, वो हिरण्यकश्यप का पुत्र था और हिरण्यकश्यप ने उन्हें बहुत सताया, बहुत दुख दिया। ऐसी बात भी हम भागवत में पढ़ते हैं, जैसे हमारे स्वामी मुक्तानंद जी ने बोला, मैं कृष्ण को चक्रधर रूप में मानता था, जिन्होंने महाभारत युद्ध के आरंभ में उस कुरुक्षेत्र के रणांगण में विषादग्रस्त अर्जुन को एक दिव्य संदेश दिया था। अर्जुन तो निमित्त है, जिसने भगवान की सान्निध्यता प्राप्त कर ली हो तो उसको कभी मोह होता नहीं है, किंतु अर्जुन को माध्यम बना करके ये परिस्थितियां निर्मित की गई। महाभारत का युद्ध आरंभ, शंख बज गए, युद्ध का की तैयारी हो गई, उस समय अर्जुन सेनयोर भयोर मध्य रथं स्थापय मे च्युत, ए कृष्ण अभी दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाओ, एक हमको संकेत देती है कथा, हमको यह चर्चा एक संदेश देती है, हम भी संसार में आए हैं और संसार में आज जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन के साथ घट रहा है और जिन जिन संबंधों से, जिन जिन विषयों से हम जूझ रहे हैं, वो भी एक रणांगण ही है। तो वह चक्रधर भगवान कृष्ण को इन्होंने देखा, तो देखो जो जहाँ पहुँचा रहता है उसके आत्मकथा उसके बच्चेपन से आरंभ होती है। कोई भी व्यक्ति महान बन जाए किंतु वह अपने बचपन से ही उसकी जीवन कथा होती है, इसीलिए इनको ये वृंदावन लेकर के कृष्ण चले आए, चाहे गिरीशानंद जी के रूप में लाए हों, पर वह चक्रधरी इनको वृंदावन में ले आया। अब वह सारी लीलाएं ये वो उसको वो कर रहे हैं। अंत में उस परिवर्तन की जो बात हिरण्यकश्यप से
प्रहलाद ने बनाई थी बताई थी उसी के प्रभाव से उसी शब्द की ऊर्जा से अंत में भगवान की उसे प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप के माध्यम से उसका वध हुआ और वो भगवान को प्राप्त हो गया। तो बड़ी सुंदर चर्चा आप संतों के मुख से सुन रहे थे। बस कल से यात्रा आरंभ है। खूब आनंद से भगवत नाम का श्रवण करते हुए जप करते हुए जितना हो सके मौन रहते हुए बहुत अधिक न बोले। और जो है भगवान के जैसे महाराज जी ने कहा जिस नाम को भी आपको अच्छा लगे जिस जो आपको मंत्र प्राप्त हुआ हो उसका आप जप करते हुए मौन होकर के भगवान के स्थानों का दर्शन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारी मन की कलुषता को दूर करें हमारे मन को अपने चरणों में ले जाएं जिससे हमारा जीवन सुखमय शांतिमय आनंदमय होवे। हरि ओम तत्सत। श्री ब्रजेश गोस्वामी जो नंदगांव बरसाना के गोस्वामी हैं श्री रमेश बाबा की अनेक यात्राओं में आपने व्यवस्था की है। अनेक दिन से मैं संपर्क कर रहा था आज जो आए हैं कुछ नियम अगर और कुछ हो या किया है। बड़े अच्छे विद्वान हैं बड़े अच्छे कथावाचक भी स्वयं हैं भागवत की कथा करते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जय हो कृष्ण कृष्ण रे हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम
कृष्णा